तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो, तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। बाहर का चेहरा तो शरीर को मिला है, आपको जो चेहरा मिला है वह है आपका असली रूप। उस रूप को जानने के लिए ही लोग सत्य जानना चाहते हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लाल लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें
सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, मेरा हक है दूसरों पर, ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं, जो जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तपर्पण करें, अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों,
एक इंसान ने रात में सपना देखा और सपने में एक चेहरा देखा और वह चेहरा उसे बहुत पसंद आ गया। सुबह उठकर उसने कहा कि मैं उस चेहरे से मिलूंगा ही, बिना उस इंसान के मैं जी नहीं सकता, क्योंकि वह चेहरा इतना पसंद आया, वह आशिक हो गया। वह ढूंढने निकला कि वही चेहरा कहीं तो मिल जाएगा। वह हर गांव हर नगर गया, सभी चेहरों को देखा, मगर वह चेहरा नहीं मिला। लोगों से पूछा कि इस तरह का चेहरा तुमने देखा है, लोगों को वो शब्दों में नहीं बता पाया। उस वक्त आईने भी नहीं हुआ करते थे, जब जिस समय की बात बताई जा रही है उस वक्त आईने दर्पण नहीं हुआ करते थे, और वो इंसान ने अपना चेहरा कभी देखा नहीं था, ना ही कोई कैमरा थी कि किसी ने फोटो निकाल कर दिखाया होता। तो ढूंढता रहा, अंत में एक गांव, एक पहाड़ी के नीचे गांव था, वहां पहुंचा। लोगों ने कहा, हम तो ऐसे चेहरे को नहीं जानते, मगर पहाड़ी पर एक गुरुजी रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, अगर टिक पाओगे उधर तो जान जाओगे। गांव वालों ने बताया, पहले भी ऐसे लोग आए हैं, वहां कोई टिक नहीं पाता, मगर जो टिक पाता है वो बहुत खुश होकर आता है। उस इंसान ने कहा, नहीं, मैं जानकर ही रहूंगा, मुझे इतनी प्यास है उस चेहरे को जानने की, मैं जानकर ही रहूंगा, हर मुसीबत का सामना कर लूंगा, जानकर रहूंगा। उस पहाड़ी पर गया, गुरुजी से मिला। गुरुजी ने बताया कि इस तरह के कार्य करने होंगे, इस तरह की सेवा करनी होगी, इस तरह के पत्थर उठाकर कुछ बनाना होगा, कुछ पत्थर घिसने होंगे, अलग अलग तरह के पत्थर है पहाड़ पर। तो उसने कहा, मैं सब करने को राजी हूं, हर तरह का कार्य, हर तरह की सेवा करने को तैयार हूं। काफी समय तक वहां रहा। गुरुजी ने अंत में जो काम दिया वह था एक पत्थर, उसको घिसने का काम दिया, इसको घिसते रहो, बाकी कार्य खत्म हुए नहीं कि पत्थर लेकर घिसते रहो। अब वो उस पत्थर को घिसते रहता है, चमकाते रहता है और दिखाता है गुरुजी को शाम में, अब कैसा लगता है, नहीं थोड़ा और घिसना होगा, कल फिर और काम पर लग जाना, बाकी कार्य खत्म करके फिर पत्थर घिसता है। कई दिन हो जाते, मन में तो आता है, क्या कर रहा हूं, क्यों आया हूं यहां, क्या यही करने आया हूं। मन तो कहता था, भागो, जाओ अपने घर, मगर फिर वो प्यास थी, वो चेहरा बीच बीच में सामने आता था, उस चेहरे को तो जानना ही है। गुरुजी से बीच में कभी सवाल पूछे कि पत्थर घिसने से क्या होगा, पत्थर घिसने से सत्य का क्या संबंध। गुरुजी ने कहा, वापस पूछा तो निकाल दिए जाओगे। इसलिए मजबूरी में उस पत्थर को घिसता रहा। और एक दिन क्या हुआ, वो पत्थर घिसकर इतना चमकने लगा जैसे आईना बन गया, पत्थर आईना बन गया। उसे ये बात मालूम नहीं थी, अचानक उसमें अपना चेहरा दिखने लगा, अरे वही तो चेहरा है। वही चेहरा, बहुत खुश होके नाचते हुए आ गया, अरे मुझे पत्थर में मिल गया, वह चेहरा पत्थर में मिल गया। गुरुजी ने कहा, कोई और नहीं मिला, ये तुम्हारा ही चेहरा है। एक कहानी थी प्रतीक की, कि अपने चेहरे की तलाश में, मगर यहां बात चल रही है बाहर के चेहरे की नहीं। बाहर का चेहरा तो शरीर को मिला है, आपको जो चेहरा मिला है वह है आपका असली रूप। उस रूप को जानने के लिए ही लोग सत्य जानना चाहते हैं। उस चेहरे को कैसे जाने, कैसे समझाएं, इसलिए बाहर के चेहरे की एनालॉजी लेकर, उदाहरण लेकर आपको समझाया गया।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में सरश्री की शिक्षाओं पर आधारित अदृश्य पितृदोष मिटाने की युक्ति, अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध कैसे करें, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज, यह ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है जूम ऐप द्वारा रविवार 11 सितंबर 2022 दोपहर 12:30 से शाम 5 तक। तो आज ही इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022, चिंता तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।